शिवरात्रि के अवसर पर गंज बासुदा तहसील के पास स्थित उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। शिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। गंज बासोदा से 18 किलोमीटर दूर स्थित राजा उदयादित्य की नगरी ग्राम उदयपुर अति प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर अपनी सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान महादेव के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर इस स्थान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और उगते सूर्य के साथ ही लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने उदयपुर की ओर चल पड़ते हैं। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये भारत की बड़ी संपदा है और हमारे को हमारे इतिहास से पूरी पीढ़ी को अवगत कराने का अवसर है। मुझे बड़ी खुशी हुई है आज यहाँ आके कि भोपाल के इतना पास होने के बावजूद ही आज 50 साल में मेरे को पहला अवसर मिला है कि मैं यहाँ आ पाया हूँ। ऐसी संपदा हमारे आसपास पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी है और कष्ट होता है कि जब इन मंदिरों के ऊपर कुछ प्रहार के चिन्ह देखने को मिलते हैं। ये इस्लामिक दौर का ऐसा अंधड़ था जब जिसको इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। एक बार भारत का पुनः उदय हो रहा है और इस प्रकार इससे उदयादित्य जी के मंदिर में हम यहाँ हैं भगवान नीलकंठेश्वर के, और जहाँ जहाँ इस प्रकार का स्थापत्य हमको सबको दिखता है मुझे लगता है कि एक बार पुनः भारत का खड़ा होना आवश्यक है। और भारत उस तरफ बढ़ रहा है, नई पीढ़ी उसको बहुत उस भाव से देख रही है और अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। कितना भाव से लोग बाग अलग अलग स्थानों से वो भक्ति भाव से आते हैं, पर इनके साथ हमारा जितना इतिहास जुड़ा है, कितना वैभव, कितना संपन्नता यहाँ थी, और ये सारा का सारा हमारे एक गौरव का और शौर्य का प्रतीक है। मुझे लगता है कि एक बार इसका सबका हमको रिविजिट करना चाहिए। एक बार पुनः उन दृष्टि से उन निकायों से उन दृष्टि से हमको सबको ये देखना होगा कि किस प्रकार का ये सब संसार रचा था उस समय के राजाओं ने, उस समय के समाज ने, और कितना वैभवशाली, कितना समृद्धशाली, कितना बौद्धिक स्तर पर उन्नत ये सब स्थान है। निश्चित रूप से आज महाशिवरात्रि के दिन आके भगवान नीलकंठेश्वर के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और भगवान ही सबको ऐसी शक्ति देंगे कि ये पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगा। मंदिर के दर्शन लगभग रात 12 बजे से प्रारंभ हुए थे और आज रात 12 बजे तक चलेंगे। 24 घंटे की व्यवस्था है। हमारे लगभग 300 पुलिस के लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें भोपाल जिले से भी बल है, गुना जिले से आया हुआ है, सीहोर से है और विदिशा जिले का बल लगा हुआ है। और व्यवस्था अनवरत चल रही है, सबको बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।